आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बसपा की होगी अहम बैठक। 23 दिसंबर को पार्टी दफ्तर में होगी बैठक। बैठक में प्रदेश के सभी प्रभारियों को बुलाया गया। बैठक में बसपा के सभी जिलाध्यक्ष हिस्सा लेंगे। प्रभारियों और जिलाध्यक्षों से फीडबैक लेंगी मायावती। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या बसपा की होगी अहम बैठक। चुनावों से पहले किसानों को साधने की कोशिश, चुनाव से पहले गन्ना बोनस दे सकती है यूपी सरकार। 10 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने पर बोनस दे सकती है सरकार। करीब 50 लाख गन्ना किसानों पर सरकार की नजर। आचार संहिता से पहले घोषणा कर सकती है यूपी सरकार। चुनावों से पहले किसानों को साधने की कोशिश, चुनाव से पहले गन्ना बोनस दे सकती है यूपी सरकार। 10 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने पर बोनस दे सकती है सरकार। लखीमपुर दौरे पर जाएंगे भूपेश बघेल, कांग्रेस की रैली में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के सीएम। किसान रैली में शामिल होंगे भूपेश बघेल, बड़ी खबर सामने आ रही है। सदर के केवलपुरवा में होगी किसान रैली। लखीमपुर दौरे पर जाएंगे भूपेश बघेल, बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता धीरज जुड़ चुके हैं। धीरज, क्या कुछ तैयारी है सीएम के आगमन से पहले? देखिए, बिल्कुल, यहाँ पर जो लखीमपुर के केवलपुरवा में भूपेश बघेल जो आ रहे हैं उनके लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी है। यहाँ पर करीब 12 बजे के करीब उनका हेलीकॉप्टर पहुंचेगा, यहाँ पर उतरेंगे, एक बहुत ही बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, किसान जो प्रतिज्ञा रैली है कांग्रेस। उसके बाद में जो किसानों के हित में कई सारे भाषण देंगे और जो है छत्तीसगढ़ की योजनाओं का भी बखान करेंगे यहाँ पर लखीमपुर में, आज जो रैली को संबोधित कर रहे हैं भूपेश बघेल जी। धीरज, कितने लोगों के जुटने की संभावना है इस रैली में? देखिए, यहाँ पर जिस हिसाब से ग्राउंड बनाया गया है, यहाँ पर व्यवस्था की गई है, हमें कम से कम लगता है कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। अब ये बात है, जब यहाँ पर लोग पहुंचे और उसके बाद में फिलहाल लोगों का जो है, आम जनता का यहाँ पर जो है मामला शुरू हो चुका है, लोग आना शुरू हो चुके हैं, काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं अभी जी। सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है धीरज? बिल्कुल, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो लखीमपुर पुलिस अधीक्षक के द्वारा पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, यहाँ पर किसी भी तरीके की चूक न होने पाए जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता धीरज जुड़े थे लखीमपुर से। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।